काफी अच्छी थी। एक तो यह कि जो वधिया पॉजिटिव मैसेज मिले लास्ट से कि कपल्स नो वधिया रल मिल के रहना चाहिए। बाकी कॉमेडी तो तुम देख ही रही है कि बहुत वधिया रोल है पहले ही गिप्पी भाजी का। थैंक यू। वधिया जी, बहुत वधिया। गिप्पी की फिल्म वैसे ही वधिया अच्छी है। मैम किदा लगी फिल्म? बहुत वधिया, बहुत वधिया कॉमेडी। सिरा किन्ने स्टार दोगे? 5/5। किन्ने स्टार दोगे? सॉरी, किन्ने स्टार दोगे? 5/5। बहुत अच्छी मूवी है। जस्ट ओनली लेसन, जस्ट रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, रिस्पेक्ट टू लेडीज, दैट्स ऑल। बहुत वधिया मूवी थी। माय गॉड, मतलब एहो जी हंसी वाली मूवी काफी चिर हो गया सी, नहीं देखी सी। एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, इतनी प्यारी एक्टिंग करती है। चुड़ैल भी बनी थी तो भी डर लग रहा था जी। कितने स्टार दोगे? 5/5। मैम कितना लगी फिल्म? बहुत वधिया सी, फुल एंटरटेनमेंट। सरगुन मेहता बारे की कहोगे? सरगुन मेहता बारे की कहोगे? तो हमेशा ही अच्छे है, बहुत फेवरेट है पंजाबी जी। कितना लगी फिल्म? बहुत अच्छी। गिप्पी गरेवाल की एक्टिंग कैसी लगी है? बहुत वधिया। कौन कितना लगा? मूवी ठीक है, गुड। कितने स्टार दोगे? 5। 3.5 जी। बहुत वधिया जी, इट वाज अमेजिंग मूवी, बड़ा मजा आया देख के। डू कम विद योर फैमिलीज एंड मूवी देखो, इट्स एन अमेजिंग मूवी। आई एम हियर फॉर माय फ्रेंड सरगुन टुडे, इट वाज अमेजिंग। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। द स्टोरी लाइन वाज रियली नाइस। मैम कितना लगी? कितना लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। मैम की क्या ना चाहोगे? बहुत सोनी मूवी जी, बहुत सोनी मूवी। सरगुन मेहता बारे की क्या ना चाहोगे? सरगुन का है ही जी, बहुत वधिया मूवी है जी। जिन्ने भी फैमिली है अपना माड़ी मोटे छोटी मोटी गल लेके झगड़ा करते ने, ते मैं चाहना की सब नु फिल्म देखनी चाहिए। बहुत सोहनी, सारे देख के आनी चाहिए। बहुत वधिया। 5/5। बहुत वधिया मूवी है जी, आउटस्टैंडिंग मूवी है। ऑडियंस नु मैं यही कहना चाहूंगी भी सारे जाने आके मूवी देखो, बहुत वधिया मूवी है। फैमिली नाल आके जरूर देखो इनू, और जो भी उन्होंने मैसेज दिता वा ट्राई करो भी ओदे ते अमल करिए सारे जाने। हां जी सेम है जी, अपनी वाइफ नाल पूरा मैच करते हैं जी। एक 5/5 दवांगे जी। हां जी। जो मैं भाई का गाना बनाना सी ना, भाई मैनू कहंदे जे गाना ना चलिया फिर समझ ली भी तेरी मेरी खत्म है। मेरे सोचो किन्ना प्रेशर सीगा, पर चलो गाना इन्ना चल गया, इन्ना चल गया, हुण मैनू कोई टेंशन नहीं। इन्ना प्रेशर पाया इन्होंने मेरे ते ਟੈਲੀਫੋਨ ਚ ਕਾਉਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਆਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ
ਬਸ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ ਆਹ ਦੋ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੰਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਰਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਬੋਲੋ बॉम्बे ट्रैवल कर रहे सेम ही गल सोच रहे क्योंकि ऐसा नहीं फिल्म करनी जानी आके देख लो उनको कैमरा में नहीं दिख रहा चलो थैंक यू जी थैंक यू सो मच कल फिल्म रिलीज हो जानी है मेरा वीर वैसे तुसी तो फिल्म देख ली आ जिन्हें नहीं देखी हो जाके देखियो तो दसो सारे भी फिल्म कितना दी लगी थोड़ा थैंक यू बहुत बहुत कोई सवाल तुसी पूछना वा तो सिर्फ जानी नूं पुछ सकदे सरगुण भावक जी होंगी शुरू शुरू जो वार्ड जो बन जाती है हरेक वार्ड से रोंदी थी मैं चौथे बारी पांचवीं बारी तां वार्ड ले रही है मशीन लगी मशीन मैं पता कि कहानियां इनके पास है हम आए थे शो बदलास में जी मैं अभी सरगुन की फिल्म के हर क्लाइमैक्स पे इमोशनल होता हूँ मैं आज भी मैं क्लाइमैक्स में इमोशनल हो रहा था एंड पता नहीं मुझे देयर इज समथिंग अबाउट इट कि मैं सरगुन को जब भी दूर जाते हुए देखता हूँ लीड कैरेक्टर से ही सही मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं लगता मुझे तो मैं इमोशनल हो ही जाता हूँ यहाँ भी मुझे ऐसे किस चीज़ से कि कभी पंखे पे बैठी मिलेगी मैंने घर से पंखे हटा दिए सारे घर पे एसी है मुझे भी इतनी होती है ऋषि मैम ने बहुत ही बढ़िया किया था आज ऋषि मैम मैं नहीं पहला एक बार ऋषि मैम पे आ रही है थैंक यू और सारे उन्होंने इन्होंने तो पता नहीं की कराया ऋषि मैम तो मैं विकास को भी कहता मैं कहा यार ना करो बनेरिया ते वो छाल मरौनी हारन सूरन से सेज दे विच पर मैम का एक मतलब यह उन्होंने पूरा ही आ भी मैं आप करूँगी तो बहुत ही घेंट किया और मैं लगता कि जोड़े हाईलाइटेड करैक्टर ने फिल्म के वो ऋषि मैम का करैक्टर आ बहुत घेंट मैं शरेआम दस रहा मेरा जो म्यूजिक गुरु है वह सरगुण मेहता चलो फिर हूं तक हाले खत्म ऐसा तो सब थोड़ा झूठे से बिल्कुल जी बिल्कुल और देखो फिल्म और टफ फिल्म सी ये मतलब कली आया नहीं कली स्टोरी ओरिएंटेड नहीं क्योंकि VFX बहुत ज़्यादा चीज़ा सारिया चीज़ा मैनेज करनी और खास करके इदा की फिल्म का एक बहुत बड़ा पंगा होता कि
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੰਧ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਕੰਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੇ ਚੜੇਲ ਦਾ ਫੜੋ ਕੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अरे वाह, दो शब्द, दो ही बोलने ने, थैंक यू बोलो, थैंक यू जी, हो गया दो। मेरे हले तो हूं तो चड़ेल आई, हले वार्निंग टू तो हूं टिप्पणी, हले वो लिखांगे आऊगी। हाँ, जी पस्ताल पस्तौल है। गल सुनो, गल सुनो, जिहड़ी फिल्म है ना जट नूं चड़ेल टक्करी, यह जिसम ते रूह दी कहानी है, है ना। तो जदों तुसीं देख के भी आए हैं, सारे जने देख के भी आउणगे, तुहानूं फिर पता लगेगा भी असल च गल की है। और मैनूं इन्ना चंगा लग्या फिल्म देख के भी इहदे विच इन्नियां गल्लां, बाई मेरे नाल बैठे सी, मेरे मूँह आई निकलदा सी आह क्या बात, और इस गल का मज़ा आया। और सानू इहो जिहियां फिल्मां देखनियां चाहीदियां सी, रौला तां पाउणे आ, एक कॉमेडी भी है, हर चीज़ है इहदे च, है ना। तुसीं सारे जने जरूर देख के आयो, किहड़ी फिल्म है, जज ना बोलो उच्ची, पिस्तौल पिस्तौल हैगा। सब तो वड्डी कुरबानी मेरी, मेरी जिहड़ी जनानी है दो क्विंटल तो ही हूं तुम सवेरे वेख के सारे ने कमेंटा दस रहे हो, दो क्विंटल हैगी कि दो क्विंटल झूठ ही कि तां हैगी देख चुके हैं, ते तुसी स्टार कास्ट दीयां गल्लां बातां भी सुन चुके हो, ते लोकां दे रिव्यू भी तुसी सुन चुके हो कि उहनां नूं इह फिल्म किद्दां दी लगी है। तां असीं कह सकदे हां कि इस फिल्म दे विच फुल ऑन कॉमेडी ड्रामा देखण नूं मिलण वाला है, जो कि सानूं तां इह फिल्म देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। सो इस फिल्म नूं साडे वल्लों जांदे ने 4 स्टार, ते तुसी भी अपने नेड़ले सिनेमाघरां दे विच इस फिल्म नूं देखण जरूर जायो, क्योंकि इस फिल्म दे एंड दे विच बहुत ही सोहणा मैसेज दित्ता गया है जो लोकां लई बहुत ही खास है। इस दे नाल ही मैनूं हरप्रीत कौर ते कैमरामैन ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।